And you are watching Scholar School. So today is the topic based on Declaration of Helsinki. 1964 में ये Declaration आया था. I'm Saloni Malik and you are welcome in Scholar School. So today we'll start this topic. So what is its introduction? So it's a set of principles. What is Helsinki? Helsinki Declaration of Helsinki क्या है? एक set of principles है, जहाँ पर basically हम लोग used करते हैं clinical trials में. मतलब clinical trial अगर आप करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ rules हैं. अगर principles को मैं और थोड़ा सा simple language में कहूँ, तो कुछ rules हैं जो आपको follow करने पड़ेंगे. ये medical research में follow किए जाते हैं, especially अगर आप कोई research करने जा रहे हैं human subjects पर, तो आपको ये follow करने ही करने पड़ेंगे. वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन ने ये एथिकल प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, जो कि गाइडेंस है स्पेशली मेडिकल डॉक्टर्स के लिए जो बायोमेडिकल रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो उन्हें ये नॉर्म्स फॉलो करने ही होंगे. फिजिशियंस ड्यूटी इन रिसर्च इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ हेल्थ प्राइवेसी एंड डिग्निटी. फिजिशियन की ड्यूटी क्या है? अगर वो कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसको सबसे पहले तो है कि उसको लाइफ प्रोटेक्ट करनी है, हेल्थ प्रोटेक्ट करनी है, प्राइवेसी और डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए किसी भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट की. ऐसा नहीं है अगर आप माना किसी पर रिसर्च कर रहे हो, तो उसका आइडेंटिटी आप पब्लिक नहीं कर सकते. गोल क्या है? बेसिकली गोल है नई नॉलेज के लिए, लेकिन साथ में हमें सावधानियां क्या क्या रखनी पड़ेंगी? सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट हेल्थ राइट्स, रिस्पेक्ट ह्यूमन सब्जेक्ट्स, नॉर्म्स, एथिकल नेशनल इंटरनेशनल को, गलत हार्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा हार्म नहीं होना चाहिए. स्टडी डन जो हो एक क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू हो, अगर कोई हार्म हो तो उसको कंपेंसेशन और ट्रीटमेंट दिया जाए. नेक्स्ट इज द हिस्ट्री. अब ये आया कैसे? सो सबसे पहले एक नीरनबर्ग कोड, एक ट्रेजेडी हुई थी नाजी एक्सपेरिमेंट के थ्रू. खैर इसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं. बेसिकली ये हेलसिंकी डिक्लेरेशन किस वजह से आया? 1961 में थैलिडोमाइड डिसास्टर हुआ था. ये डिसास्टर क्या हुआ था? थैलिडोमाइड जो ड्रग है वो सीएनएस डिप्रेस्ड में दी जाती, तो ये फार्माकोविजिलेंस फेलियर था. इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स को सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस, जैसे वॉमिटिंग वगैरह के समय में प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये ड्रग्स दी गई, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि डिलीवरी के बाद बेबीज के लिम्स ही नहीं आए, जिसे कहा गया फेकोमिलिया. मतलब जो डिलीवरी के बाद जो बच्चे हुए उनके हाथ और पैर नहीं डेवलप हुए, तो इसको हमने स्टडी कही फेकोमिलिया. इस इंसिडेंट के बाद WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन को ये गाइडलाइन बनाना पर ऐसे मजबूर हो गए कि उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई. हेलसिंकी एक सिटी का नाम है जिसके ऊपर ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है. अब इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, जैसे 1964 में ये डेवलप हुआ, लेकिन 75, 83, 89, 96, 2000, 2002, 4, 8 और लेटेस्ट अभी 2013 है. जैसे अभी हम लोग लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में. सबसे फर्स्ट है रिस्क, बर्डन एंड बेनिफिट्स. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी का होना चाहिए आउटवे रिस्क, कम से कम रिस्क होना चाहिए. अगर रिस्क दिख रहा है हमें ज्यादा, तो उसी समय या तो हम उस स्टडी को मॉडिफाई कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं. मिनिमम मॉनिटर्ड, असिस्ट, डॉक्यूमेंटेड, मैनेज्ड. हम जब हमें उसे रिस्क कम से कम होना चाहिए, मॉनिटर होनी चाहिए हर समय, असेस होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट रिसर्च करने जा रहे हैं, आपके पास कोई डाटा नहीं है. और अगर कोई रिस्क होता है तो आपके पास उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए. सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है? वल्नरेबल ग्रुप्स यानी इंडिविजुअल. वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कि जैसे प्रेगनेंसी सेंसिटिव पीपल, चिल्ड्रन, एल्डरली या साइकोलॉजिकल इश्यूज वाले जो पीपल होते हैं, उन्हें वल्नरेबल ग्रुप में हम लोग कहते हैं. इंक्रीज चांस एडिशनल हार्म प्रोटेक्शन शुड बी डन. ऐसा बहुत कम है कि आप वल्नरेबल पे जो रिसर्च है वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. असेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम माइनर्स इफ चाइल्ड इज एबल टू डू सो. अगर बच्चे हैं तो उनको जरूर उनको कंसेंट देना चाहिए. नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल है साइंटिफिक रिक्वायरमेंट एंड रिसर्च प्रोटोकॉल. देखिए, ह्यूमन स्टडी करने से पहले आपको उसका साइंटिफिक लिटरेचर ढूंढना चाहिए, लैब और एनिमल एक्सपेरिमेंट को देखना चाहिए. जैसे कि अगर माना आपको कोई स्टडी करनी है कि योगा का श्वास के रोगियों पर क्या प्रभाव है, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे ना कि इसके ऊपर कितना काम हो चुका है, तो वो काम को ढूंढना ही साइंटिफिक लिटरेचर है. दूसरा, स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडिंग. आपको कोई फंडिंग तो नहीं दे रहा है इस रिसर्च के लिए, कोई स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा,
इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन कौन सा है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है, ये सब आपको पहले ही सबमिट करना पड़ता है। जिसमें रिसर्च में ह्यूमंस इन्वॉल्व हो उनमें जनरली है कि आप साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे ही करेंगे, एंड थ्रू नॉलेज ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर एंड मेथड्स, आप उसमें जितने भी लिटरेचर है वो सब ढूंढ के रखेंगे। लिटरेचर रिव्यू इन एनिमल एक्सपेरिमेंट प्रायर कंडक्टिंग ह्यूमन रिसर्च प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस। अगर आप लिटरेचर रिव्यू पहले कर लेते हो, अगर आप एनिमल एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, तो वो आपका एक बेस तैयार कर देता है। नेक्स्ट इज रिसर्च एथिकल कमेटी। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हेलसिंकी में सबसे ज्यादा जो रेजोल्यूशन हेलसिंकी बनाने का जो डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी बनाने का जो रेजोल्यूशन था वो यही था कि इसमें एक एथिकल कमेटी फॉर्म हुई। बिफोर स्टडी फेज प्रायर डिजाइन, आपको सबसे पहले डिजाइन बताना चाहिए कौन सा स्टडी डिजाइन है, कोई बायसनेस तो नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल एथिकल नॉर्म फॉलो कर रहा है कि नहीं। फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट करना है रिसर्च खत्म होने के बाद कंक्लूजन के साथ। रिसर्च प्रोटोकॉल जो रिव्यूड होता है वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी के थ्रू होना चाहिए जहां पर मेडिकली साइंटिफिकली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हो। मेन एम है इस पर्टिकुलर हेल्थ का कि इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल कमेटी आई हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक अगेन एंड अगेन की एडहेरेंस फॉलो हो भी रही है प्रोटोकॉल के थ्रू। ये एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन था। अगर अगर एडहेरेंस फॉलो नहीं हो रही है तो आप उसे तभी स्टॉप करिए और डिक्लेयर कर सकते हैं इनवैलिड। ये भी एक एथिकल कमेटी के अंडर हो सकता है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ह्यूमन सब्जेक्ट और इन्फॉर्मेशन को आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डिग्निटी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा मेंटेन करनी। पार्टिसिपेंट्स की लाइफ हमेशा प्रोटेक्ट होनी चाहिए। एवरी प्रिकॉशन शुड बी टेकन रिस्पेक्ट प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, पार्टिसिपेंट फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी। उनकी आप एग्जाम्पल के साथ अगर कोई आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर ये पता चलता है किसी को कि ये है तो उसमें हर तरीके का फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है, तो हमें उसकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी ही करनी है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म करने ह्यूमन सब्जेक्ट को कि हमारे स्टडी का एम क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, फंक्शन क्या है, जनरल आउटकम क्या है स्टडी का, कोई वॉलंटरी फेलियर एग्रीज है कि लीगली ऑथोरेटिव रिप्रेजेंटेटिव है। पार्टिसिपेंट मस्ट बी वॉलंटियर्स एंड इन्फॉर्म्ड इन रिसर्च प्रोजेक्ट। पार्टिसिपेंट्स को आपको जरूर इन्फॉर्म होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको राइटिंग में लेना पड़ेगा उनसे। कैन पार्टिसिपेंट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट ईच इंटरवेंशन। आप चाहे कुछ भी करने जा रहे हैं लेकिन पार्टिसिपेंट को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द रिजल्ट्स। इन्वेस्टिगेटर्स आर ऑब्लिक टू प्रिजर्व द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव है, आपको वो पब्लिकली अवेलेबल करना ही करना है। हमेशा जरूरी नहीं होता कि आप पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट हमेशा आपको पब्लिकली अवेलेबल करना है, चाहे वो नेगेटिव है या चाहे पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो वो भी अच्छा ही है, दूसरे लोग नहीं करेंगे रिसर्च। प्लेसिबो का यूज, अगर पहले की गाइडलाइंस देखी जाए तो उसमें प्लेसिबो का यूज बहुत कम बताया, पर आज के समय में प्लेसिबो का यूज हम लोग करना, अब की जो नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कोई वो बुरा नहीं है, बस हमें उसका ज्यादा अब्यूज नहीं करना है। प्लेसिबो क्या होता है कि जिसमें आपको कोई हार्म नहीं होता, इंटरवेंशन जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालती है हमेशा आप, लेकिन प्लेसिबो क्या होता है कि आप पेशेंट को एक ऐसी दवाई दे रहे होते हैं, गोली दे रहे होते हैं जिसका उसकी बॉडी पर उसके फिजिकल मेंटली कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा कि अच्छा मैं ये दवाई ले रहा हूँ। नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रायल प्रोविजन। आप ऐसा नहीं कि ट्रायल खत्म होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपको एक ह्यूमन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ था, अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अनप्रूवन इंटरवेंशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इवेल्यूएट करना है द एफिकेसी एंड सेफ्टी। न्यू इन्फॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड एंड पब्लिकली अवेलेबल। जो नई इन्फॉर्मेशन आई है वो आपको पब्लिकली अवेलेबल करनी पड़ेगी। रिसर्च इज जस्टिफाइड ओनली इफ देयर इज अ रीजनेबल लाइकलीहुड दैट द पॉपुलेशन अंडर स्टडी विल बेनिफिट फ्रॉम द रिजल्ट। कि जो पॉपुलेशन आप स्टडी से ले रहे हो उसको जरूर फायदा होना चाहिए। पहले तो आप उनसे कोई भी खर्च नहीं करा सकते, जो भी स्टडी में खर्च होगा वो सब आप ही देंगे, और सबसे दूसरी बात उन्हें कुछ तो फायदा होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश करी कि मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।